हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीकेंड तड़का बाय ईशा बख्शी। फ्रेंड्स, आज वीकेंड तड़का आप सबके लिए लेकर आया है पिंडे छोलों की रेसिपी। फ्रेंड्स, छोले हर तरीके से आप सबने भी ट्राई ज़रूर करे होंगे, पर काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने ये वाले छोले कभी ट्राई नहीं करे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज मैं यही रेसिपी आप सबके लिए लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स, पिंडी छोले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने छोलों को धोकर पानी में पूरी रात भिगो के रखा है और नेक्स्ट डे मैं इन छोलों को उबाल लूँगी। तो उबालने से पहले मैं एक गिलास पानी लूँगी एक पैन में और एक स्पून चाय की पत्ती डालूँगी और इसको उबलने के लिए रख दूँगी। इतनी देर में प्रेशर कुकर में एक मोटी इलायची, 8 से 10 दाने काली मिर्च के और 4-5 लौंग डाल दूंगी और साथ में मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा नमक। तो 1/2 स्पून मैंने नमक डाला है। इतनी देर पानी भी उबलना स्टार्ट हो गया है तो अब हम गैस बंद कर देंगे और जो चाय की पत्ती का जो पानी है ये हम इसको छान लेंगे और पानी हम प्रेशर कुकर में डाल लेंगे और पत्ती को हम बाद में फेंक देंगे। देखिए, और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर रखकर 4 से 5 विसल आने के बाद गैस को बंद कर देंगे और इतनी देर हम तड़का लगाने की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने 1 सर्विंग स्पून ऑयल डाला है, 1/2 स्पून मैंने हींग डाली है, साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में मैंने दालचीनी, एक मोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च डाली है, साथ ही में मैंने ये लाल मिर्च डाली है 2 और लहसुन को मैंने अच्छे से क्रश्ड कर लिया है। और उसके बाद हम वो लहसुन 15 से 18 लहसुन की कलियां हैं जिनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया था, हम इसको पीसेंगे नहीं क्योंकि पिंडी जो छोले बनते हैं उसमें लहसुन और अदरक का टेस्ट अच्छा आना चाहिए तभी वो छोले स्वाद लगते हैं। तो मैंने लहसुन और अदरक को अच्छे से मैश कर लिया था और उसके बाद मैंने रोस्ट करने के बाद 2 प्याज को मैंने मिक्सी जार में पीस लिया और उसके बाद मैंने जब लहसुन अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे, हमारे खड़े मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो उसी ऑयल में इन्हीं के साथ हम डाल देंगे पीसे हुए प्याज। साथ के साथ हम इसे हिलाते रहेंगे जब तक प्याज का पानी सूख नहीं जाता, तब तक हम इसे हिलाते रहेंगे। और जब प्याज का पानी सूख जाएगा तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, नमक डालेंगे इसमें। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना क्योंकि नमक हमने उबलते हुए छोलों में भी डाला है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। नमक डालते सार ही प्याज जल्दी से ब्राउन होने स्टार्ट हो जाते हैं, अच्छे से रेडी हो जाते हैं, तो इसलिए हम नमक मसाला तैयार होने से पहले ही डाल देते हैं। कुछ ही मिनट्स में हमारे छोले भी उबल चुके हैं तो आप सब देख सकते हैं 5-6 विसल लगाने के बाद छोले अच्छे से मैश हो रहे हैं, तो ये परफेक्टली रेडी हो चुके हैं तो हम इसे साइड में रख देंगे। इतनी देर में हमारा मसाला भी रेडी हो गया है, प्याज भी भून चुके हैं, अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मैंने क्या किया है, तवे पे मैंने जीरे को ब्राउन कर लिया और उसके बाद उसे पीस लिया। तो ये भुना हुआ जीरा है, ये मैंने 2 स्पून भुना हुआ जीरा डाला है, 1/2 स्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ और 1/2 स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च। आप लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सारे मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे से हिला लेंगे। जो पिंडी छोले होते हैं वो उसमें हल्दी नहीं डलती है, तो आप सब देख सकते हैं कि मैंने भी इसमें हल्दी का यूज़ नहीं किया है ये। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये मैंने 3 टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने मिक्सी जार में पीस लिया था और अच्छे से मैं वो पीसे हुए टमाटर ग्रेवी में डाल दूंगी और अच्छे से हिलाती रहूँगी। टमाटर डालने के बाद जब थोड़े से टमाटर ड्राई होने स्टार्ट हो जाएंगे तो मैंने इसमें यूज़ किया है MDH का चना मसाला फ्रेंड। तो मैंने इसमें डाला 1 स्पून चना मसाला, अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे।
चाहे तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। और अच्छे से हमने मीडियम फ्लेम पर ही इसको रोस्ट कर रहे हैं। चना मसाला डालने से बहुत ही अच्छी फ्लेवर और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो ये चना मसाला पिंडी छोले में डालना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। अच्छे से हम हिलाते रहेंगे साथ के साथ, और फिर हमारी मसाले एकदम से परफेक्टली रेडी हो चुके हैं। तो अब हमने इसमें डाल दिए हैं उबले हुए छोले, और थोड़ा सा हमने वही पानी भी डाला है। एक मैशर की हेल्प से हम क्या करेंगे, छोलों को थोड़ा सा मैश कर देंगे ताकि जो हमारी जो तरी है वो थिक बने। तो अच्छे से मैंने एक बार मैश कर दिया है, और उसके बाद हमने हिला लिया है, और उसके बाद जो बचे हुए छोले और बचा हुआ पानी था वो हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अच्छे से मिक्सअप होने देंगे 10 to 15 मिनट्स के लिए। स्लो गैस फ्लेम पर हम इसको अच्छे से उबलने देंगे ताकि जो हमारी तरी है वो भी गाढ़ी हो जाए फ्रेंड्स, थिक हो जाए। और आप अच्छे से साथ के साथ अब इसे हिलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि तरी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है, क्योंकि पिंडी छोलों में जो तरी है वो थिक होती है। तो हमारे छोले बनकर पिंडी छोले एकदम से रेडी हैं। तो देर किस बात की है, आप इसे कुलचों के साथ या नान या भटूरों के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स।